हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, सौरभ करवी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही कमाल की वेबसाइट का रिव्यू करने वाला हूं। अगर आपको भी एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में फाइल को कन्वर्ट करने की प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है, जैसे कि फ्रेंड्स आपके पास कोई पीडीएफ फाइल है उसको अगर आप वर्ल्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो प्रॉब्लम आप देखते होंगे, या फिर वर्ल्ड की फाइल है तो उसे पीडीएफ में कन्वर्ट करना है तो भी आपको प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा कई बार भी होता है कि आपके पास कोई वीडियो में सॉन्ग है या फिर वीडियो फाइल कोई है आपकी और उसे आप MP3 में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो भी यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर अलग अलग टूल या अलग अलग वेबसाइट को विजिट करने पड़ता है। तो आज मैं आपको एक बेस्ट वेबसाइट बताने वाला हूँ जहाँ पर आपको 1100 से ज़्यादा फाइल सपोर्ट करता है, कि आप मतलब 1100 अलग अलग फाइल, जैसे आपकी वर्ल्ड की फाइल हो गई, एक्सेल की फाइल हो गई, या फिर JPG फाइल हो गई, MP3 फाइल हो गई, MP4 की फाइल हो गई, इस तरह की 1100 प्रकार की फाइलों को वो सपोर्ट करता है, मतलब कि एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में आप उसे कन्वर्ट कर पाएंगे। साथ ही साथ इसमें एक फैसिलिटी दी गई है कि आपकी जो फाइल कन्वर्ट होगी उसे आप डायरेक्ट ईमेल पर भी रिसीव कर सकते हैं। कहने के मीन्स, अगर आप किसी व्यक्ति को वो मेल भेजना चाह रहे हैं उस डॉक्यूमेंट को, तो आपको डायरेक्ट दोबारा से अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट उसे मेल पर रिसीव कर लेंगे। आइए चलते हैं हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर और जान लेते हैं कि कौन सी वेबसाइट है और उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। फ्रेंड, इस वेबसाइट का नाम है jamjar.com, JAMJAR, jamjar.com। तो यहाँ पे फ्रेंड, जैसे कि ये देखिए लिखा हुआ है कि 1100 प्लस फॉर्मेट सपोर्ट करता, मतलब 1100 प्रकार की फाइलों के ऊपर की फाइल जो है यहाँ पे सपोर्टेड देखने को मिल जाती है। अभी हाल ही में इन्होंने अपडेट किया हुआ, तो यहाँ लगभग 1200 फाइलें आपका सपोर्ट करता है, तो आप 1200 प्रकार की फाइलों को यहाँ पे आप कन्वर्ट कर पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात का और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो भी फाइल आपको कन्वर्ट करने के लिए फ्री यूज करने के लिए जो मिलेगी वो केवल 50 MB तक की ही सपोर्ट करेगी। अगर आपको 50 MB से ऊपर की कोई भी फाइल या वीडियो को कन्वर्ट करना है तो उसको आप यहाँ पे परचेज करना पड़ेगा। साइज है इनका जो अलग अलग प्राइस आता है, पर्सनल यूज अलग आता है, बिजनेस यूज अलग आता है, तो आप अपने हिसाब से इस वेबसाइट पर विजिट करके अगर आपको एडवांस लेवल पर यूज करना चाह रहे हैं इस वेबसाइट को तो आप यहाँ पे विजिट करके प्लान परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 50 MB तक की साइज फ्री मिलती है, मतलब अगर आपकी एक PDF फाइल है अगर वो 50 MB की होगी तो भी कन्वर्ट हो जाएगी, अगर कोई वीडियो अगर 50 MB तक का है तो वो भी यहाँ पे आप बहुत ही इजीली तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन हमको देता है कि ऐड फाइल, ऐड फाइल करने के लिए यहाँ पे देता है, तो ऐड फाइल पे क्लिक करते हैं और फिर जिस भी फाइल को हमें कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पे इजीली एक्सेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल ये मेरी वीडियोज आ रही हैं तो मैं वीडियोज को अभी नहीं कन्वर्ट करना चाहूँगा। यहाँ मान लीजिए मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, तो इस स्क्रीनशॉट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही फ्रेंड्स हम स्क्रीनशॉट को सेलेक्ट करेंगे तो सेकंड स्टेप फॉलो करने के लिए बोलेगा। सेकंड स्टेप पे हमको कहेगा कि कन्वर्ट टू, आपको किस फॉर्मेट में इस फाइल को कन्वर्ट करना है, तो आप कन्वर्ट टू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको जिस भी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है वो ऑप्शन यहाँ पे आप चुन सकते हैं। तो जैसे कि मुझे इस फाइल को अभी PDF में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे हम PDF पे क्लिक कर देंगे। PDF पे प्लान जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आता है हमें ईमेल व्हेन डन। तो अगर आप किसी भी फाइल को चाह रहे हैं कि ये जब डन हो जाए, मतलब कन्वर्ट हो जाए तो हमारे ईमेल पे रिसीव हो जाए, तो यहाँ पे आप टिक कर दीजिएगा और यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डाल दीजिएगा। तो जैसे ही यहाँ पे फ्रेंड्स आप अपना ईमेल एड्रेस इंटर कर देंगे तो जब भी कोई फाइल कन्वर्ट हो जाएगी तो आपके ईमेल पर वो आ जाएगी। तो यहाँ पे अभी मुझे ईमेल पे रिसीव करने की जरूरत नहीं है, तो इसे हम डायरेक्ट कन्वर्ट नाउ पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही आप कन्वर्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो अब आपकी फाइल यहाँ पे कन्वर्ट प्रोसेसिंग हो जाएगी। जैसे ही 100% डेट डन हो जाएगा तो आपके सामने ये कन्वर्ट होके फाइल देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए अभी हमारी फाइल कन्वर्ट होके आ गई है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो डाउनलोड वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे वो कन्वर्ट की हुई फाइल हमारे मोबाइल पे डाउनलोड हो जाएगी। अगर हम और भी फाइल को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ कन्वर्ट मोर फाइल्स पे क्लिक करेंगे, और भी जित फाइलों को अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो कन्वर्ट कर लेंगे। सो फ्रेंड ये देखिए हमारी जो PDF फाइल पे हमने फाइल कन्वर्ट किया था वो ये वहाँ पे ओपन होके आ गई है। अगर आप कोई और भी फाइल को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ कन्वर्ट मोर फाइल्स पे क्लिक कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये जानकारी काफी ज्यादा पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन पे मुझे बताइएगा क्या आपके लिए ये वेबसाइट यूजफुल हुई कि नहीं, और ये वीडियो भी आपके लिए यूजफुल हुआ कि नहीं। अगर आप मेरे चैनल पे नए थे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भी टेक से रिलेटेड अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरी इस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लीजिएगा। अब आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो पे।